हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशनी बानू रोज का किचन में आज फिर आप लोग का स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो रेमेडी लेके आई हूँ, आज मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, एक होम रेमेडी लेके आई हूँ जो नाइट सीरम है। और वो घर में ही बनाना है, और घर में ही बना के रात को सोने से पहले आपको वो सीरम अप्लाई करके सोना है। उसको सीरम को अप्लाई करके थोड़ा सा चेहरा पे मसाज करना है। मसाज करने के बाद थोड़ा सा चेहरा को सूखने देना है। आप सोने से पहले 10 मिनट पहले उसको अप्लाई कीजिए और 10 मिनट उसको सूखने दीजिए। उसके बाद आप सोइएगा, उसके बाद सुबह में मुंह धोइएगा। उससे वो सीरम से दो बेनिफिट है, एक तो चेहरा में ग्लो आता है, दूसरा चेहरा का जो रिंकल्स का प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि पहले मैं खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, जो भी प्रोडक्ट में जो भी चीज़ होम रेमेडी बनाती हूँ। ये भी मेरा भी रिंकल्स का प्रॉब्लम है साइड पे, आइज के साइड साइड में, तो वो रिंकल्स का प्रॉब्लम यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा रिंकल्स हो गया था। तो मुझे भी टेंशन रहने लगा था कि मेरा रिंकल्स आने लगा है, कैसे करूँ क्या करूँ। तो मैंने ये होम रेमेडी बनाया, ये सीरम बनाया। तो एक दो टिप्स वगैरह मैंने कहीं कहीं से लिया, तो टिप्स वगैरह मुझे मिला, तो मैंने सारा जोड़ के उसको एक रेमेडी बनाया। तो वो मैं अभी अप्लाई किए हुए 2-3 दिन ही हो गया है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो 2-3 दिन में मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है। यहाँ का थोड़ा कम हुआ है, यहाँ पे अभी नहीं हुआ है, यहाँ का भी चला जाएगा। यहाँ कम हुआ है, यहाँ का चला गया है। तो और मैं 1 हफ्ता 15 दिन इसको अप्लाई करते रहूँगी तो श्योर वो मेरा रिंकल्स सारा चला जाएगा। तो आप लोग का भी अगर किसी का रिंकल्स का प्रॉब्लम है तो आप लोगों का भी रिंकल्स जाने वाला है, टेंशन लेने का बात नहीं है। और उसके लिए आप लोग, हम लोग को चाहिए 4 चीज़। फर्स्ट में चाहिए हम लोग को एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल यहाँ पे मैंने बाजार का ही लिया है, ये पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल है, ये एलोवेरा जेल लिया है मैंने। ये एलोवेरा जेल हम लोगों को 2 चम्मच लगाना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है बादाम का तेल। बादाम का तेल हम लोग को 5 से 6 ड्रॉप ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और यहाँ पर लिया है मैंने ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हम लोगों को छोटा चम्मच का 1/2 चम्मच चाहिए। और यहाँ पे लिया है मैंने विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल ये 2 ठो यहाँ से मैंने निकाला भी है, देखिए। तो ये 2 विटामिन का कैप्सूल मैं ले रही हूँ। बस इतना ही है, ये 4 इंग्रेडिएंट्स से हम लोग को नाइट क्रीम बनाना है जो रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है। और मेरा अनुभव है बहुत अच्छा है, और आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों का रिंकल्स चला जाएगा। तो देखते हैं पहले ये सीरम किस तरह से बनाते, चलिए आइए। एक कंटेनर में टू स्पून जेल, 5 ड्रॉप विटामिन ई के, बस आपको 2 चाहिए। इस तरह से ग्लिसरीन आधा चम्मच, बस इसको अच्छे से फेंटना है। ये देखिए इस तरह का क्रीम हुआ है, सेम बाजार का क्रीम ही लग रहा है। 1 हफ्ता करने के बाद आपको खुद रिजल्ट मालूम होगा कि आपका चेहरा में ग्लो भी आ रहा है और
रिंकल्स भी जा रहा है। ये चेहरा के ग्लो के लिए भी अच्छा काम करता है, मॉइस्चर देता है, और जब चेहरा में मॉइस्चर देता है तो ऑटोमेटिक रिंकल्स हट जाता है। जब चेहरा में मॉइस्चर होता है तो रिंकल्स नहीं आता है, और जो रिंकल्स है हमारे चेहरे पे वो भी थोड़ा थोड़ा करके हटने लगेगा जब चेहरा में मॉइस्चर आना शुरू होगा। रेडी, देखिए कितना अच्छा क्रीम बना है। तो इसको बस आपको रात को अप्लाई करना है, और रात को अप्लाई करके थोड़ा सा मसाज करके थोड़ा सा क्वांटिटी में ले लीजिएगा। उसके बाद अभी तो नाइट नहीं हुआ है इसीलिए मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं भी नाइट को ही अप्लाई करती हूँ, क्योंकि अभी काम के लिए कभी बाहर निकलना पड़ता है, कभी बरामदे में निकलना पड़ता है तो धूप लग जाता है, तो नाइट क्रीम लगा के धूप में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल तो कुछ नहीं होगा लेकिन ग्लिसरीन इसमें मिला हुआ है, तो ग्लिसरीन लगा के हम लोग बाहर नहीं निकल सकते धूप में, जिससे टैन आ सकता है ग्लिसरीन लगा के धूप में चलने से, तो इसीलिए मैं अभी नहीं लगा रही हूँ। लेकिन आप लोग भी, मैंने तो ये मेरा छोटा सा टॉपरवेयर का कंटेनर था तो इसमें एयर टाइट है इसीलिए नहीं बिगड़ेगा, तो मैंने ये प्लास्टिक में डाला है। अगर आप लोगों के पास शीशा का बॉटल है छोटा सा तो उसमें डाल के रखने से और ज़्यादा अच्छा है, उसमें रखने से जल्दी नहीं बिगड़ेगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा गर्मी है, आप लोगों का ज़्यादा धूप लगता है आप लोगों का, तो आप लोग इसको फ्रिज में रख सकते हैं। यहाँ हम लोगों के जो कैलम्पोंग में तो उतना धूप नहीं लगता है, उतना गर्मी भी नहीं होता है, तो हम लोग इसको बाहर ही रख सकते हैं, मैं तो बाहर ही रख रही हूँ। और आप लोग कहीं प्लेन्स के हैं, सिलीगुड़ी के हैं, कोलकाता के, दिल्ली के, तो आप लोग इसको फ्रिज में प्रिजर्व करके रख सकते हैं और रात को निकाल के लगा सकते हैं। तो ये मेरा दावा है कि आप लोगों का रिंकल्स ये सीरम से छूमंतर हो जाएगा। और ये सीरम अप्लाई करने के बाद आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए अगला वीडियो में मिलते हैं फिर अच्छा रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।